नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी एक फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपको फ्री का डोमेन नेम मिलेगा और फ्री की होस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो डोमेन नेम होता है वो होता है आपका साइट का URL, यानी कि जो आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए जो www.mysite.com हो गया, तो वो होता है आपका डोमेन का नेम। और होस्टिंग होती है वो आपकी होती है स्पेस जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को पुट अप करते हैं, रखते हैं उसको। तो ये इन दोनों चीज़ों की अपन को ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मान लीजिए किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या किसी दूसरी वेबसाइट बना रहे हैं, किसी आप अगर आपको क्लाइंट को किसी को देनी है वेबसाइट या किसी दूसरी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप डोमेन नेम और होस्टिंग जो है वो परचेज़ कीजिए। ऐसी किसी फ्री चीज़ पर मत जाइए, क्योंकि फ्री चीज़ आप जानते हैं कि कैसे होती है, चलती है फिर बाद में बंद हो जाती है, डाउन टाइम काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है उसमें। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप गोडेडी की वेबसाइट पे जाइए और ये यहाँ पे होस्टिंग का प्लान है, और यहाँ पे आप कोई सी भी जो अपनी होस्टिंग है जो आपको अच्छी लगती है वो वाली होस्टिंग यहाँ से गोडेडी की यहाँ से ले लीजिए, या आप दूसरी भी ब्लू होस्ट की एक कंपनी है जो भी होस्टिंग प्रोवाइड करती है और डोमेन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप गोडेडी का, जैसे मान लीजिए अगर आपको गोडेडी का लेना है तो आपको सिंगल वेबसाइट बनानी है तो आप स्टार्टअप ले सकते हैं, या इकोनॉमी वाला प्लान ले सकते हैं जिसमें आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, 100 GB का स्टोरेज मिल जाएगा और आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा इसमें। और अगर आपको ज़्यादा वेबसाइट बनानी है, मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट, मोर देन वन वेबसाइट के लिए, आप डिलक्स प्लान ले सकते हैं, अल्टीमेट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो अभी है मैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ कि जिस वेबसाइट से आप फ्री का डोमेन नेम भी ले सकते हैं और फ्री की होस्टिंग भी ले सकते हैं। और दोस्तों, उसमें मेन चीज़ ये है कि आपका जो है पीछे उसका सब डोमेन का जो है उस वेबसाइट का URL जुड़ जाता है, वो उस वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या करना है। और इस वीडियो में ये केवल 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो में हम पूरा कवर अप करेंगे कि किस तरह से आप एक सुंदर सी वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में। अपन वर्डप्रेस यूज़ करने जा रहे हैं, वर्डप्रेस का CMS यूज़ करने जा रहे हैं। ये वर्डप्रेस है, ये केवल सिंपल ये ड्रैग एंड ड्रॉप का है, इसमें कुछ भी कोडिंग की माथा बच्ची नहीं होगी, कुछ भी कोडिंग हेडेक नहीं होगा, आपको कोड वोड नहीं करने पड़ेंगे, केवल सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे और आपकी वेबसाइट केवल 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट यूज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को यहाँ पे रेड वाले बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है www.000webhost.com। तो जब आप दोस्तों इस वाली वेबसाइट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, मैंने बहुत सारी अभी वेबसाइट सर्फिंग की थी फ्री डोमेन के उन सब के लिए, तो मुझे एक ये वेबसाइट मिली जिसमें आप फ्री डोमेन ले सकते हैं और जो है अपनी होस्टिंग भी ले सकते हैं, बट डोमेन का वही है, इसका पीछे का जो है सब डोमेन आ जाएगा। तो अगर आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनानी है वेबसाइट, आप सीखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनती है या कैसे कैसे करते हैं, कैसे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं, कैसे थीम सेलेक्ट होती है, कैसे पेजेस बनाते हैं, कैसे आर्टिकल्स बनाते हैं, तो आप ये वाली वेबसाइट ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं बिना समय के मैं इसको करता हूँ, इसको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देता हूँ मैं। साइन अप फॉर फ्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नया पेज आपको ओपन करके देगा जिसमें आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे मेरी जीमेल की आईडी भी ओपन है, तो ये ईमेल कंफर्मेशन आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आता है और क्या करना है। तो तब तक मैं ये गोडेडी का हटा देता हूँ, क्योंकि अभी अपन एजुकेशन पर्पज से ही सीख रहे हैं, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ तब तक, और अपन सीधा इस पर आ जाते हैं, और मैं ये यूट्यूब वाला भी इसको हटा देता हूँ। तो चलिए अपन इस पर वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आ चुका है अभी, ये बोल रहा है लॉन्च योर वेबसाइट विद जीरो कॉस्ट। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट अप करना है, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए, कोई गलत ईमेल एड्रेस मत डालिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो ईमेल एड्रेस है यही ईमेल एड्रेस आपको कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा वहाँ पे। मैं यहाँ पे पासवर्ड पुट अप कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो है वेबसाइट नेम, यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम देना है कि जो भी आपका जो भी वेबसाइट का जो नेम आएगा, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ माय टेक। तो जब मैंने यहाँ पे माई टैग दिया तो इसने मेरे को नीचे URL दे दिया https://mytag.000webhost.com, वो जो कि इसका जो URL है। तो चलिए मैं इस पर फ्री साइन अप पे करके क्लिक कर देता हूँ इसको गेट फ्री होस्टिंग पे। जब आप यहाँ पे गेट फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि
इसकी जो है लोडिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और इसने अपना अकाउंट जो है वो सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गलत ईमेल आईडी मत डालिए, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी गलत डालेंगे तो मैं आगे बताता हूँ कि उसका क्या नतीजा निकलता है। गलत आप ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो ईमेल कंफर्मेशन का ईमेल है वो नहीं आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए। 000webos.com वाली वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ये ईमेल एड्रेस, ईमेल कंफर्मेशन का एक आपको ईमेल देगा, सिंपल सा छोटा सा। मैं बता देता हूँ आपको अभी, तो ये अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है कि वेलकम टू 000webos.com योर जर्नी ऑनलाइन बिगिनर। यहाँ पे आप आई एम प्रो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आई एम प्रो पे अगर अपन ने क्लिक कर दिया, आप देखिए दोस्तों ये तीन प्लान्स वगैरह बता रहे हैं। ये अपन ने फ्री प्लान अभी लिया हुआ है जिसमें अपन को 1000 MB का डिस्क स्पेस मिला है, 10 GB बैंडविड्थ है, 2 डेटाबेसेस हैं। अगर आपको इंप्रूव कराना है, अगर आपको प्रीमियम वाला प्लान लेना है तो आप ये ले सकते हैं जिसमें आपको डिस्क स्पेस ज़्यादा हो जाएगा या जो है डेटाबेसेस वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, तो या बिजनेस लेना है तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा, $3.49 पर मंथ पे करने पड़ेंगे इसके लिए। बिजनेस वाले के लिए $7.95 पे करने पड़ेंगे। तो अभी चलिए अपन फ्री वाले प्लान पे ही यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए, जब आपने ये यहाँ पे किया तो ये 3-4 स्टेप्स आ रहे हैं, तो ये आपको ये कम्प्लीट करने पड़ेंगे। छोटे छोटे से स्टेप हैं, जल्दी जल्दी से कम्प्लीट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि मैनेज वेबसाइट, मैनेज वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो ये आप देख सकते हैं एक ईमेल नोटिफिकेशन का मैसेज आ चुका है। ये बोला है ईमेल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईमेल कंफर्मेशन का मैसेज जरूर आएगा। ये देखिए मैं इस पे आ जाता हूँ 000webos.com। तो ये कुछ इस तरह का ईमेल आया, तो आपको ये वेरीफाई ईमेल वाले बटन पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली वेरीफिकेशन हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका वेरीफिकेशन होने वाला है, बस ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। थोड़ा सा लोडिंग टाइम लग रहा है इसमें, कोई बात नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह का ईमेल आएगा, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। 000webos.com वाली वेबसाइट से आएगा और इसको वेरीफाई ईमेल पे आपको क्लिक करके वेरिफिकेशन करना है। अभी ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल, मैनेज वेबसाइट। तो चलिए मैनेज कर लेते हैं उसको। तो चलिए मैनेज करते हैं इसको, मैनेज वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक करके मैनेज करते हैं। मैनेज वाले बटन पे क्लिक किया मैंने। अब आप देखिए दोस्तों, अभी छोटे छोटे से स्टेप्स है। अभी ये बोल रहा है उनको कि बिल्ड वेबसाइट, बिल्ड अ वेबसाइट, इजीली बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, अपलोड योर ऑन वेबसाइट। तो अगर आपके पास कंटेंट है खुद की वेबसाइट का, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। सिंपल से वेबसाइट बनाए तो सिंपल से वेबसाइट बनाए। तो अपन अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में, तो वर्डप्रेस में इंस्टॉल नाउ बटन पे आप क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस का एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं एडमिन और एडमिन डाल देता हूँ दोनों में, ADMIN और ADMIN। ये केवल मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये मैंने एडमिन और एडमिन डाल दिया है इसका, और लैंग्वेज वगैरह मैंने चूज कर ली, और मेरा जो साइट URL है अच्छा ओके दोस्तों, यहाँ पे जो साइट का जो URL है वो टैग वाला लिया था मैंने शायद, बट वो नेम से आ चुका है अभी। तो मैं बता देता हूँ आपको, इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाए एक बार। ये आप देख सकते हैं कि ग्रेट, वी आर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस फॉर यू, इट यूजुअली टेक 60 सेकंड फॉर योर वेबसाइट टू बी सेटअप एंड सिट बैक एंड रिलैक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस की अनपैकेजिंग हो चुकी है और डेटाबेस वगैरह भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको साइट का URL बता देता हूँ आपको। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो जब उन्होंने मेरे से साइट का URL मांगा था तो मैंने शायद मोहित सोनी वाला ही डाल दिया था, मोहित सोनी स्मिथ वाला ही डाल दिया था। तो वहाँ पे मुझे साइट का URL डालना था, बेसिकली माई टैग करके डालना था। तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप उस वीडियो को दोबारा से थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं कि जो मैंने मिस्टेक की थी वो आप मिस्टेक मत करना। बस वो URL आएगा, URL में आपको अपनी साइट का URL वगैरह पुटअप करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये केवल एजुकेशन पर्पज का वीडियो, तो मेरे को केवल आपको सिखाना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, कैसे थीमिंग इंस्टॉल करते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, एक सुंदर सी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस में। तो चलिए कोई बात नहीं, URL मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि जैसा कि एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो चलिए अपना ये जो फाइनलाइजिंग है इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी फाइनलाइजिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये सीधा ही सिंपल अपन को एक वो प्लेटफॉर्म दे देगा जिसमें आपको URL वगैरह दे देगा ये, कि ये दो URL है अपने, ये देखिए जैसे मैं गो टू कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे जाता हूँ तो ये जो है URL अपन को दे दिया इसने, ये जो अपनी वेबसाइट का URL है ये है mohitsonismith.000webhostapp.com/wp-login.php।
ये दोस्तों बेसिकली wp-admin या बोल लीजिए या wp-login.php बोल लीजिए, जो अपना जो अपन ने आई डी एंड पासवर्ड डाला था यहाँ पे वो अपन को डाल देना है। तो मैंने एडमिन एंड एडमिन डाला था यहाँ पे, तो मैंने वही डाल दिया, मैंने वही पुटअप कर दिया यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं वही पुटअप कर दिया। तो ये जो अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको साइट बता देता हूँ कि अपनी साइट कैसी लग रही है। अभी जब मैंने इसको साइट वाले बटन पर क्लिक किया तो अपनी जो साइट लग रही है उस पर आई थिंक 2017 की थीम आएगी, इंस्टॉल होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये साइट है, ये साइट ऐसे अभी शो हो रही है, इसमें ये आर्टिकल्स वगैरह शो हो रहे हैं, ये साइड बार्स है। इन सब के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आप ये जो सीरीज़ है वर्डप्रेस की जो सीरीज़ चल रही है, इन सीरीज के सारी वीडियोज़ देखिए। तो अगर आप इनके सारी वीडियोज़ देखोगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मैं क्विकली एक थीम आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं कौन सी थीम यूज़ करने वाला हूँ। एक थीम है दोस्तों एलडी वर्डप्रेस थीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि वर्डप्रेस में लाखों करोड़ों थीम्स है, लाखों थीम्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तो अभी तीन चार थीम्स है, ये तो डिफॉल्ट आई है अपने ऑप्शन पे। तो आपको अगर वो थीम इंस्टॉल करनी है तो आपको अपडेट्स वाले सेक्शन में जाना है और थीम्स वाले सेक्शन में जाना है। तो थीम्स वाले जब सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू वाला बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ऐड न्यू वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खूब सारी थीम दिख जाएगी, फीचर थीम दिख जाएगी, पॉपुलर दिख जाएगी, लेटेस्ट थीम्स है, फेवरेट्स थीम्स है, ये सारी थीम्स है। आप कोई सी भी थीम आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो वाली थीम्स इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पे इंडी वाली थीम एक यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थीम है। और अगर आप एक बिगनर है वर्डप्रेस में तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप यही थीम जो है इंस्टॉल कीजिए शुरू में, स्टार्टिंग में सीखने के पर्पज़ में। तो चलिए मान लीजिए जैसे मैंने इंडी वाली थीम यहाँ पे सर्च की, तो अभी सर्च करने के बाद तो एक सेकेंड यहाँ पे शायद मेरा जो जो नेम है वो मैंने शायद थोड़ा गलत ले लिया। ये बाहर के लोग शोर बहुत करते हैं, ये बाइक वाइक ले जाते हैं और कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ इंडी वाली थीम को मैंने डाला। तो ये आप देख सकते हैं इंडी वाली एक थीम आ चुकी है, और इसका मैं आपको वो बता देता हूँ डेमो कि ये थीम कैसे लगने वाली है अपने, जब अपन वेबसाइट अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो वेबसाइट का जो लुक है, लुक एंड फील जो आएगा तो वो कैसा आएगा, वो मैं उसकी आपको भी बता देता हूँ एक सेकंड। तो अपन मैं इसमें आ जाता हूँ, अपनी थीम जो है एक्टिवेट हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। और मैं आपको ये कोरलिप वाली जो कोरलिप के जो प्रोवाइडर्स है, काफ़ी अच्छे प्रोवाइडर्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं, इनकी ये जो थीम है वो थीम मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे लगने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो वेबसाइट का जो थीम का जो लुक आने वाला है अपना, तो वो कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब जो आप ये पेज देखेंगे वो ये पेज बेसिकली थीम का पेज है, तो ये लोडिंग बार है थीम का। तो ये जो अपनी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे लोगो आएगा अपना, मेन नेविगेशन आएंगे, अबाउट, पोर्टफोलियो और पेजेस। ये सब मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप पेजेस बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं। और ये जो है ये पूरा ये अबाउट का आपका कंटेंट आ गया। तो ये प्रोजेक्ट्स आ गए, टेस्टिंग मॉडल्स आ गए कि क्लाइंट्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, वेब डिज़ाइन, अगर आपके मान लीजिए वेब डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं आप या वेब डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं या SEO सर्विस देते हैं तो आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या बोलते हैं, टेस्टिंग मॉडल्स आ गए, अबाउट के बारे में आ गए। तो ये इस तरह से कुछ अपना वेबसाइट का लुक आने वाला है। तो अपनी ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है, तो थीम इंस्टॉल होने के बाद चलिए मैं इस वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और मैं आगे वाले वीडियोज़ में आपको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहता वीडियोज़ को, छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाना चाहता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक कि वर्डप्रेस में वैसे एक सुंदर सी वेबसाइट अपन बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ इसको कि किस प्रकार से अपनी थीम लगती है। चलिए मैं एक बार क्विकली इसको, ये देखिए अपनी जो अभी वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से लगी। एलडी वाली थीम जो अपन ने एक्टिवेट की थी, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट की थी, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद अपनी जो एलडी वाली थीम है वो अभी इस प्रकार से लग रही है, ये देखिए। तो मैं आपको इसी थीम का पूरा सेम का सेम ऐसा लुक लेके बताऊंगा आपको कि ये जो डेमो पे जो वेबसाइट शो हुई है वो वेबसाइट अपन को कैसे बनानी है। तो अभी अपनी ऐसी थीम लग, अभी अपनी वेबसाइट ऐसी लग गई है, तो अपनी वेबसाइट सेम थोड़ी देर में ऐसी लगने लग जाएगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।